दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइटकॉन का। लाइटकॉन में कैसा आपको अभी मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या इसका स्पोर्ट जोन है, क्या इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में, क्योंकि जब इसमें फोमो लगा था तब बहुत सारे मेरे भाई कमेंट कर रहे थे कि हमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फोमो शॉर्ट टर्म के लिए है, आपको जो बॉटम है वो $100 के रेंज में या फिर आपको उसके नीचे देखने को मिलेगा। तो $100 के रेंज में अगर आपको ये मिलता है तो पार्शियल एंट्री ले लेनी है आपने, और उससे अगर डंप होता है 95 के रेंज में जाता है तो आपकी दूसरी एंट्री होगी। तो दोस्त, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर यहाँ पे हम लाइटकॉन के ओवरव्यू की बात करें तो इसके रैंकिंग आपको 9 नंबर पे देखने को मिलता है। प्राइस की बात करें $109 के रेंज में आप देख सकते हैं, 2% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के फ्लक्चुएशन की बात करें तो इसका फ्लक्चुएशन आपको 108 से लेके 114 के बीच में देखने को मिलता है। मार्केट कैप 7 बिलियन के ऊपर है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 1 बिलियन के ऊपर है। 18% इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हुई है पहले के कंपैरिजन। अगर इसके हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो ये आपको 73 मिलियन देखने को मिलता है। ये वेरीफाइड है कॉइन मार्केट कैप की तरफ से। टोटल सप्लाई 84 मिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई भी 84 मिलियन है। 87% टोटल और मैक्सिमम सप्लाई की जो सप्लाई है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, मतलब सर्कुलेट हो गई है। अब अगर आप यहाँ फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं लाइटकॉइन के बारे में, तो आप कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गीको पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इनका वेबसाइट मिल जाएगा, वेबसाइट पे जाके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। अब अगर इसके हम प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो देखिए, एक पीक रेंज लगाने के बाद आपको यहाँ डंपिंग देखने को मिलती है। हालांकि ये इतना ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ जितना हमें चाहिए एंट्री बनाने के लिए। अगर इसके हम एक्सचेंज की बात करें तो अभी के टाइम में बहुत सारे एक्सचेंज पे इसकी लिस्टिंग है, जिस मर्जी एक्सचेंज से आप इसको बाय कर सकते हैं। इसकी हालविंग को लेके इसका जो टारगेट है वो आपको $150 तक का देखने को मिलेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं लाइटकॉइन के मूवमेंट को। तो दोस्त, आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम लाइटकॉइन का पेयर देख रहे हैं यूएसडीटी के साथ। पहले हमने यहाँ 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के टाइम इंटरवल पे अगर इसके हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ देखिए, पहले भी मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या हो जाता है, एक ट्रेंड लाइन इसका सपोर्ट जोन होता है और दूसरा ट्रेंड लाइन आपको इसका रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, और प्राइस एक्शन इसी के बीच में मूव होता हुआ आपको देखने को मिलता है। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल में जिस साइड से प्राइस आया होता है उसी साइड में आपको इसका मूवमेंट देखने को मिलता है। तो हम यहाँ बॉटम से आए थे, इसीलिए आपको यहाँ पे इसका ब्रेकआउट देखने को मिला। अब ब्रेकआउट के बाद अगर आप इसके करंट मूवमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक राइजिंग चैनल बनता हुआ देखने को मिलता है। अब ये जो राइजिंग चैनल होता है इसी को हम बोलते हैं राइजिंग एज का पैटर्न, और ये एक बेरिश पैटर्न होता है। तभी मैंने आपको बोला था कि आपने यहाँ फोमो में अपनी एंट्री नहीं लेनी, आपका जो एंट्री जोन होगा वो आपको ये ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा, और इससे पहले आप यहाँ $100 पे अपनी पार्शियल एंट्री लेंगे और दूसरी एंट्री आपकी यहाँ पे होगी। बाकी देखिए, अभी भी मार्केट में कोई खास वॉल्यूम नहीं आ रहा है और ये वॉल्यूम डिक्रीजिंग साइड में है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बॉटम जोन का वेट करना चाहिए। 1 से 2 दिन में आपको यहाँ बॉटम मिल जाएगा जहाँ पे आपने अपनी बाइंग करनी है स्पॉट में। हाँ, पर अभी अगर आप एंट्री लेंगे अपना तो हो सकता है कि आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े कि हमारा जो बॉटम है वो मिस हो गया और हमने हाई रेंज में इसको बाय किया हुआ है। अभी देखिए, अगर आप इसको 110 के 108 के रेंज में बाय करेंगे तो आपका जो टारगेट है वो $120 का है, मतलब उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। अगर वही चीज़ अगर आप यहाँ $100 पे बाय करेंगे या $90 पे बाय करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट का जोन है वो अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अभी के। तो अभी आपको थोड़ा मार्केट में वेट करना चाहिए। बाकी देखिए, जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक आपको इसका प्राइस एक्शन ऐसे ही एक रेंज में बनता हुआ देखने को मिलेगा, पर मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पे इसका सपोर्ट जोन ब्रेक होगा, फिर आपको यहाँ डंपिंग देखने को मिलेगी। अब अगर इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो डेली टाइम इंटरवल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल ही देखने को मिला है जिसका ब्रेकआउट हुआ है, और हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है $114 के रेंज में। तो यहाँ के बाद आपको थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा उसके अकॉर्डिंग हमारी एंट्री होगी। मैंने आपको बोला कि पहली एंट्री आप यहाँ $100 के रेंज में लीजिएगा और दूसरी आपकी यहाँ पे होगी 95 पे या 92 पे। बाकी देखिए, यहाँ पे अगर हम अपने मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग देखें तो हम यहाँ बुलिश होने वाले हैं, पर मार्केट में करेक्शन होने के बाद ही आपको यहाँ रिकवरी देखने को मिलेगी। इसकी हालविंग अगस्त में है, अभी भी 1 महीने का टाइम पड़ा हुआ है। अगर आप वेट करेंगे तो आपको अच्छी एंट्री मिल जाएगी, अदरवाइज़ अगर आप यहाँ फोमो में एंट्री लेंगे तो वहीं मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट तो होगा पर प्रॉफिट का जो आपका जोन होगा वो माइनर सा आपको देखने को मिलेगा, तो उससे अच्छा होगा आप यहाँ पे वेट कर लें। अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी थी कि सुई टोकन में क्या होने वाला है। आज इसके टोकन अनलॉक हुए हैं,
तो देखें सुई को अगर आप यहाँ देखेंगे तो अभी तक कोई खास आपको यहाँ डंपिंग देखने को नहीं मिली है। हाँ कुछ टाइम से आपको यहाँ डोजी टाइप कैंडल जरूर देखने को मिलती है, पर यहाँ पे देखें जो ये पैटर्न बन रहा है ये कहीं ना कहीं अभी भी आपको बेयरिश ही देखने को मिलेगा। हम राइजिंग चैनल में मूव होना नहीं स्टार्ट हुए, तो जब तक देखें ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ये डाउन ट्रेंड ही यहाँ पे चलता रहेगा। और डाउन ट्रेंड में आपको पता है कि एक बॉटम से बॉटम लगता रहेगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि सुई में कोई खास अभी वॉल्यूम नहीं आ रहा है और इसके टोकन अनलॉक हो रहे हैं, मतलब क्या है कि डिमांड नहीं आ रही है अभी और इसकी सप्लाई बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इसका जो प्राइस है वो एक बॉटम के साइड जा सकता है। आप अगर न्यू इन्वेस्टर हैं तो आप कोशिश करें अपनी जो बाइंग है वो 0.50 के रेंज में करें, या अगर उसके नीचे मिलता है ये फिर आप यहाँ पे अपनी बाइंग कर सकते हैं। ये आपका पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन होगा अगर यहाँ पे ये अप ट्रेंड में मूव होना स्टार्ट होता है तब आप यहाँ पे अपनी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं, जब तक ये डाउन ट्रेंड में है तब तक आपको उम्मीद रखना चाहिए कि यहाँ पे बॉटम मिलेगा। बाकी देखिए अगर आपने इसको पीक रेंज में बाय किया हुआ है तो आपको यहाँ लंबी वेटिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि जब तक यहाँ पे अच्छे इन्वेस्टर नहीं आएंगे तब तक आपको यहाँ पे कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और अगर यहाँ पे देखें हम होल्ड हो जाते हैं इस जोन में तब भी आपको यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकती है, पर ये रिकवरी वो नहीं होगी कि अगर आपने इसको 1.2 पे या 1 डॉलर पे बाय किया है तो वहाँ तक ये पंप करके चले जाए, क्योंकि अभी अभी इसके टोकन अनलॉक हुए हैं तो मार्केट में कुछ ना कुछ यहाँ सेलिंग का प्रेशर रहेगा ही रहेगा। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसके टोकन के अनलॉक होने से आपको यहाँ पे थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा और उसी डाउनफॉल के साथ आपके सपोर्ट में बाइंग बनेगी। टारगेट के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, टारगेट आपका 1 डॉलर के ऊपर हो सकता है। तो अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं उसके नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।